छठे चरण में आगामी 25 मई को वैशाली लोकसभा क्षेत्र का मतदान होना है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के लोजपा रामविलास प्रत्याशी वीना देवी ने मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर वैशाली लोकसभा से लगातार दो बार से सांसद रहे प्रत्याशी वीना देवी ने बताया कि ये देश का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया देश का सर्वांगीण विकास, इस बार 400 पार सीट आएगी। क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है। आप देखिए ना, जनसल्ला सभी लोग पक्ष में आए हैं, आशीर्वाद देने क्षेत्र से पूरे वैशाली लोकसभा के मतदाता मालिक लोग आए हुए हैं। हमारी महासंद हमारे माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी भी आए हुए हैं, सारे लोग साथ हैं। हमारे जितने भी विधायक हैं, हम लोग के एन डी ए गठबंधन के सारे विधायक जी के आशीर्वाद प्राप्त हैं। क्षेत्र में आपके प्रति नाराजगी भी दिख रही है? हमारे प्रति कोई नाराजगी, मेरे जो विरोधी हैं उनका अफवाह। लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? महिलाओं के विरुद्ध नाराजगी हो ही नहीं सकती। अभी लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई तो हम बता रहे हैं कि लड़ाई ही नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा, क्या विकास का मुद्दा है, क्षेत्र के है, प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा मैडम? मुख्य मुद्दा यही है, विकास है, क्षेत्र में काम हो ही रहा, जो बाकी है उसको करना है दोबारा। देश के चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं हो रहा, बिहार का नहीं हो रहा, ये देश का चुनाव हो रहा है। सभी लोग जानते हैं हमारे किए हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी का काम, चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जीतन अम्मान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी हमारे बड़े बड़े नेता के आशीर्वाद प्राप्त हैं। और उन लोग देश के लिए सजे लोग काम करें, सबसे बड़ा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए 400 पार होगा, 40 सीट हम लोग। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता मतदाता मालिक के चरण स्पर्श आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से सबको प्रणाम। आज हम नामांकन दिए हैं, जो हमारी बहन नहीं आई है, महिला चाहे पुरुष, वो गांव से आशीर्वाद दे जो आए हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।